हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। देखिए, यूपी टेट 2022 का जो एग्ज़ाम 23 जनवरी प्रथम पाली यानी सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से हुआ, इसके हिंदी के सभी प्रश्नों के आपको आंसर मैच कर लेने हैं इस वीडियो से, और देखना है भाई आपके कितने प्रश्न सही होंगे तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये मॉर्निंग का फर्स्ट शिफ्ट का जिसका ये बुकलेट संख्या ए है वो लोग सीरियल से मैच कर लें, बाकी क्वेश्चन के हिसाब से मैच करें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 31 नंबर से शुरुआत यहाँ पर करेंगे, 30 क्वेश्चन के सारे आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे, मैच कर लीजिए। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? तो देखिए, आश्रुत भाषण होता है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की बोलियाँ कितनी हैं? हिंदी भाषा की बोलियाँ 22 हैं कुल। नेक्स्ट आ जाइए, अगला प्रश्न है सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन से हैं? तो समाज धन एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, अगला प्रश्न 34 नंबर है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो अखिलेश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन यहां पर ये रहा, ये पंक्तियाँ दी गई हैं, 12 वर्ष लो कोकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति दोस्तों जगनी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अकाल का पर्यवचन निम्न में से कौन सा है? अकाल का पर्यवचन निम्न में से ये चौथा वाला है, दुर्भिक्ष। उम्मीद है आपका पेपर और आपके क्वेश्चंस के आंसर सही हो रहे होंगे। चलिए, इसमें मिश्र वाक्य पहचानना था, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? सेकंड नंबर हो जाएगा यहाँ पर, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ये मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38वां नंबर है, इसमें प्रश्न मैच करिएगा आप लोग, क्वेश्चन से मैच मत करिएगा क्वेश्चन नंबर से। अगला प्रश्न है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसमें है मुझसे उठा नहीं गया, इसमें कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य। नेक्स्ट आ जाइए, निष्कपट शब्द का शाब्दिक निष्कपट का जो है संधि विच्छेद क्या है? तो निधन कपट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर यह है, इस देश में हिंदी भाषा का जो है प्रयोग लिखने या बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस। अगला प्रश्न, सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो ब्रज भाषा की रचना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे, 43 नंबर क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी है? ये तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है, मैच कर लीजिए। अगला है यहाँ पर, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पर चौराहा में कौन सा समास है? तो दिगु समास आप लोगों ने किया होगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है, निम्न में से किस समास की वर्तनी सही है? तो अनुग्रहीत, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, 43 नंबर क्वेश्चन है, मतलब अगला प्रश्न है, पैतृक किसमें सही हो जाएगा आपका? शुद्ध वर्तनी का चयन करना था। अगला प्रश्न यहाँ पे 48 नंबर है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द में उपसर्ग क्या है? अति। चलिए, एक क्वेश्चन बड़ा परेशान कर रहा था लोगों को, उपत्यका का अर्थ क्या होता है? तो पर्वत के पीछे की या पर्वत के पास की जो निचली भूमि है उसको बोलते हैं। चलिए, अब ये पैसेज आया था, इसको पढ़ तो यही होगा, इसके आंसर्स को मैच कर लीजिए आप लोग, आपके कितने सही हैं आपको आइडिया मिल जाएगा। लिखते जाइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको सही लग रही हो, क्वेश्चंस के आंसर सही लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ में, बहन भाइयों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? धक्कड़। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो पैसेज में ही दिया था, तो वैशाली हो जाएगा। अगला है, स्वच्छंद संधि है विसर्ग। अगला है यहाँ पे कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था क्या थी? 35 वर्ष की आयु थी। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? श्रुति धर्म का अर्थ वैदिक धर्म है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, डा का उच्चारण स्थान है, तो डा का उच्चारण स्थान क्या है? नासिक के 5वें स्थान पर आता है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है, जो जितने भी वर्ण हैं 5वें स्थान पर आते हैं सारे के नासिक ही होते हैं। चार गज मलमन में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा।
अगर आपको कोई आंसर ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत बताया हुआ है तो कमेंट करके अपना सही आंसर जरूर दें। समास का विलोम क्या है, तो समास का हम विलोम कर लेंगे समास से। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, शून्य शब्द का तत्सम रूप, तो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है आँख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, ये सही हो जाएगा। तो देखिए आगे मैं आपको मैथ के मतलब गणित के जितने प्रश्न हैं उनका भी सॉल्यूशन दूंगा, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो पे जाएं। अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके आंसर्स मैच करें हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।